नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 में इतिहास भाग एक, जो इसकी परीक्षा जून में होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पेपर मैंने अपलोड किया है यूजीसी नेट का, ये दिसंबर 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पासे का खेल। क्वेश्चन नंबर दो, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे, तो ये थे ज्ञात्रिक जनजाति। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहबाज गढ़ी। क्वेश्चन नंबर चार, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट सैल। क्वेश्चन नंबर पाँच, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर छः, भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई, तो ये हुई थी 1910 में। क्वेश्चन नंबर सात, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो यह लिखा गया है अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर आठ, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे, ये पीते थे गंगा नदी का। क्वेश्चन नंबर नौ, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये किया था सितार का। क्वेश्चन नंबर दस, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे, तो ये लाए गए थे मकराना से। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको क्रम बैठाना है, तो सबसे पहले आपका हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बाद हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, फिर इसके बाद हुआ था धर्मत का युद्ध, और तीसरा हुआ था बक्सर का युद्ध, यानी चौथे नंबर बक्सर का युद्ध है। इस हिसाब से यानी एक दो उसके बाद चार और तीन, इस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था, सबसे पहले पुर्तगालियों का विरोध किया था जमोरिन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का नवाब दस्तक जारी करता था। क्वेश्चन नंबर 14, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 16,
मेन कॉम्फ का लेखक कौन है? इसका लेखक थे एडफॉल्ट हिटलर, यानी ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन नंबर 18, कथन और कारण है इसमें। देखिए पहला दिया इसमें कथन में, प्रारंभिक कार्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उप नदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। कारण है विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, कथन कारण वाला क्वेश्चन द्वितीय प्रश्न पत्र में ज़्यादा आता है। इसके बाद आपका कुट मिलाने वाला भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है दूसरे प्रश्न में। 19 नंबर देखिए, भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कमी आई। कारण है ब्रह्मत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी परिसीमा युक्त सागर से घिरी है। इस प्रकार कारण है, इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों में कट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है आर गलत है, यानी इसमें भी ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। कारण मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये सही आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में थी। कारण है दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य के भाग में नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारण पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए आवश्यक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आर, दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, अन औद्योगिकरण स्थान तथा समावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। कारण हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न में समरूपता नहीं रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आर, दोनों सही, आ रहे की सही व्याख्या नहीं करता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये और दोनों सही, आर एक सही व्याख्या करता है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, इसको जो है क्रम में बैठाना है, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग। तो इसमें आपका सबसे पहले होगा पाषाण युग एक नंबर पर, इसके बाद दो नंबर पर होगा
दो नंबर पर होगा आपका ताम्रपाषाण युग, और तीन नंबर पर होगा आपका कांस्य युग, और चार नंबर पर होगा लौह युग। तो इस हिसाब से आपका जो है चार, इसके बाद चार के बाद जो है आपका आएगा एक, इस हिसाब से इसका आंसर सी सही होगा। चार के बाद एक, इसके बाद आपका जो है तीन और दो, ये क्रम से इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी आपको क्रम से उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले रोमन, यानी एक नंबर पर सबसे पहले आपका हो जाएगा रोमन एक नंबर पर, इसके बाद होगा ग्रीक, ये दो नंबर होगा, और तीन नंबर पर होगा शक, और चार नंबर पर होगा प्रतिहार। इस हिसाब से यानी ग्रीक सबसे रोमन सबसे पहले है, तो दूसरा ऑप्शन केवल एक ही है बी, यानी ग्रीक नहीं सॉरी रोमन, उसके बाद ग्रीक, फिर शक और प्रतिहार। इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी आपको क्रम से बैठाना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले इंद्र, यानी तीन नंबर इसमें एक ही है यहाँ पर बी, यानी इंद्र, इसके बाद आपका आएगा अग्नि, यानी एक नंबर है दूसरे नंबर पर, और अग्नि के बाद आएगा आपका वरुण, ये तीसरे नंबर पर आए, और मरुत चौथे नंबर। इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, तो चलिए देखते हैं इसमें व्यवस्थित। सबसे पहले आया था वेन सांग, तो इसमें भी आंसर आपका एक हो जाए, देखिए एक से ही पकड़ सकते हैं, यानी वेन सांग, इसके बाद आया था आपका इब्न बतूता, इसके बाद आया था आपका बर्नियर, और इसके बाद आया था विलियम होजेज, ये इसका क्रम होगा, इस आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी आपको सही क्रम अनुसार कुट मिलाना है, तो इसमें सबसे पहले इन चारों ऑप्शन के अनुसार रामानुज एक नंबर पर आए, तब देख लीजिए दूसरा नंबर कहीं मिल रहा था, हाँ इसमें मिलेगा आपका सी। इस हिसाब से पहले रामानुज, इसके बाद नामदेव, इसके बाद चैतन्य, और इसके बाद तुकाराम। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम क्या है, इसमें भी सही क्रम मिलाना है शिवाजी को, तो सबसे पहले ये किए थे सूरत की लूटमार, सूरत की लूटमार आपका किए थे 1664 में, और उसके बाद किए थे आपकी, यानी इसमें देखिए केवल दो, हाँ यहाँ पर ए इसका सही हो सकता है आंसर, यानी 1664 में सूरत की लूटमार किए थे, इसके बाद पुरंदर की संधि 1665 में, और आगरा आगमन इनका हुआ था 1666 में, 1666 ईस्वी, और राजा अभिषेक हुआ था इनका 1674 में, रायगढ़ में हुआ था। इस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित वायसरायों के ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित किए, तो इसमें वायसराय का ऐतिहासिक क्रम है, इसमें जो है सबसे पहले मेयो होगा एक नंबर पर 1872 में, लॉर्ड मेयो, तो देख लीजिए चौथा नंबर क्रम इसमें दो दिया है बी और सी, तभी और इसमें आपको खोजना है लॉर्ड में, इसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पर नॉर्थ ब्रुक, यानी चार के बाद एक, तो इसमें भी दो ऑप्शन में बी और सी में, हाँ इसके बाद आपका आएंगे तीसरे नंबर पर
लिटेन, यानी चार दो तीन, यानी चार चार एक तीन, तो चार एक तीन आपका बैठेगा ये बी, चार एक तीन तीन मिल गया। इसके बाद आएगा आपका पाँचवें नंबर पर रिपेन, चौथे नंबर पर रिपेन है और पाँचवें नंबर पर आपका डफरीन है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युद्धों को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था आपका युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें देखिए तीसरा, इसमें दो ऑप्शन तीन ऑप्शन दे दिया तीसरा। इसके बाद जो है आपका हुआ था प्रथम बर्मा युद्ध दूसरे नंबर पर, यानी तीन के बाद एक आएगा, तो तीन के बाद एक दो है, एक ए है और एक डी है इसमें। और इसके बाद जो है 35, इसके बाद आएगा आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर ये होगा। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर हो सकता है आपका, यानी तीन इसके बाद एक फिर इसके बाद जो है दो, तीन एक दो, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे भी व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये हुआ था 1851 में। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, इसका स्थापना हुआ था ये 1870 में। इसके बाद होगा आपका इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन आपका हो जाएगा ये 1876 में हुआ था। और मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में, ये इसका डेट है, डेट याद रहेगा तो क्रम बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से कौन हो सकता है, यानी एक दो चार, एक दो चार और थर्ड, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी आपको जो है प्रतिष्ठानों के स्थापना वर्ष क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, तो इसमें सबसे पहले होगा आपका सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल माइलेज, तो इसका आंसर होगा एक नंबर पर ही होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, यानी देखिए दूसरा केवल दो दो में है। इसके बाद आपका आंसर अगला होगा अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, 1864 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी दो और चार, तो देखिए दो चार दो क्रम में है, एक और खोजना पड़ेगा। इसके बाद इंडियन नहीं, इसके बाद बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 में, 1868 है, यानी कि दो चार तीन, दो चार तीन, यानी बीस का आंसर होगा दो चार तीन और एक, ये सबसे लास्ट में है, ये हुआ था 1876 में, ये डेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, अब देखिए इसमें कूट मिलाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 38 में, यानी छत्र सूत्र, ये जो है महाबलिदानों से है, यानी इसका मिलाना है। गृह सूत्र, ये जो है दैनिक जीवन से संबंधित समारोहों के निर्देश है। धर्म सूत्र, ये धार्मिक और लौकिक विधि, यानी ए है इसका। और शूल सूत्र जो है बल देवियों तथा अग्निवेदिकाओं के माप और निर्माण संबंधी नियम है, ये इसका कूट है मिलाने का। इसका आंसर लिखे नीचे नहीं लिखे हैं कि ज़्यादा लंबा आ जाएगा, तो आप लोग बस जो है इसको मिलाकर आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी कूट मिलाने वाला है, तो कौटिल्य किस ग्रंथ का लेखक था, अर्थशास्त्र का,
भद्रवाहो, ये लिखा कल्पसूत्र, कात्यायन, कात्यायन जो है स्मृति लिखा था, ग्रंथ है पतंजलि महाभाष्य, तो ये इसका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कुट मिलाने के लिए दिया गया है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है जयदेव की है, यानी एक का चार होगा ये, गीत गोविंद जयदेव। परशिष्ट पर्वन ये जो है हेमचंद्र का है। कथा सरित सागर ये किसकी पुस्तक है, ये जो है सोमदेव का। और विक्रांत देव चरित्र ये जो है बिल्हड़ का है, ये कुट मिलाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कुट आपको मिलाना है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। सर थॉमस रो, तो ये आया था जहांगीर के। इसके बाद पीटर मुंडी, ये शाहजहां के शासनकाल में आया था, बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जहरुद्दीन, इसमें भी देखिए मिलाना है इसका पूरा नाम कौन कौन सा आता है इसमें, तो जहरुद्दीन जो है अकबर की उपाधि थी, अकबर का नाम जलालुद्दीन, सॉरी जहरुद्दीन जो है बाबर की उपाधि थी, जहरुद्दीन जो है बाबर की, जलालुद्दीन जो है अकबर की है, और नूरुद्दीन जहांगीर की, और आलमगीर जो उपाधि है औरंगजेब की है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी आपको सूची मिलाना है टी बी मैकाले किसे संबंधित है, ये थे शिक्षा से। जान शोर, ये जो है अस्थाई बंदोबस्त से थे संबंधित। इलिजा इम्पे, ये जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। और एम ह्यूम जो है कांग्रेस से रिलेटेड थे, या महासचिव थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी आपको कूट मिलाना है, तो आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे हैं, तो इसका आरसी दत्त का हो जाएगा 1/3 इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरजे मूर, द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, यानी बी का होगा आपका 4। और ए आर देसाई, ये लिखे हैं सोशल बैकग्राउंड, यानी सी का आपका हो जाएगा ए। और एच जे ब्रमफोल्ड, तो आपका ये बचता है आपका 2 नंबर, एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्यूरल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी आपको जो है कूट मिलाना है, तो प्रति सरकार इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, चासी मूलिया राज, तो ये हो जाएगा उड़ीसा से। उलगुलान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, उलगुलान। और ताम्रलिप्ति सरकार जो है बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 46 नंबर, इसके बाद एक पैराग्राफ आता है, 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, तो पैराग्राफ वाला आप लोग जो है पढ़कर उसको आंसर दे सकते हैं, पैराग्राफ काफ़ी लंबा है और उसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये कूट मिलाने वाला तक ही मैं अपलोड करूँगा वीडियो, तो देखिए इसमें सी आर दास जो है स्वराज पार्टी से संबंधित है, यानी ए का आपका हो जाएगा 4। एस एन बनर्जी, ये जो है इंडियन एसोसिएशन संबंधित है, यानी बी का 3। ए के फजलुल हक, ये जो है कृषक प्रजा पार्टी से, यानी सी का 1 हो जाएगा। और जी के गोखले, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर होगा, पूना सार्वजनिक सभा। तो ये थे क्वेश्चन ईजीसी नेट के लिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को जो है मिलता रहेगा रिवीजन के उद्देश्य से, तो आपकी रिवीजन करते रहें और आपका जो है अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, तो
ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।